और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक ऐसा कॉइन जो यहाँ पे आपको पर डे क्रिप्टो माइनिंग के अंदर $10 की अर्निंग करके दे रहा है। और अगर 30 डेज के हिसाब से मैं कैलकुलेट करूँ, मेरे केस के अंदर मैं यहाँ पे $300 प्रति महीने के हिसाब से मैं इससे कमा सकता हूँ। और फ्रेंड्स, इस कॉइन को यहाँ पे लोग कंपेयर कर रहे हैं कैस्पा से। अभी रिसेंटली मैंने कैस्पा के ऊपर वीडियो बनाई है जो यहाँ पे आपको दिन का $250 कमा के दे रहा है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे लोग बोल रहे हैं ये कैस्पा से भी ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न्स आपको कमा के दे सकता है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पे ये जो कॉइन है ना, एक तो यहाँ पे प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर काम करता है और यहाँ पे ASIC मशीन का रेजिस्टेंस है। मतलब यहाँ पे आप जो है ASIC मशीन से जो है उसको माइन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे जितने भी क्रिप्टो माइनर हैं जो GPU से माइन करते हैं, उनके लिए एक ये बेस्ट डील हो सकती है। मैं कॉइन मार्केट कैप के अंदर पूरा एनालिसिस कर रहा था, तो भाई यहाँ पे मुझे पता लगा कि भाई लोगों की यहाँ पे जो सोच है ना, इसको लेके बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और अगर ये कॉइन आज आप, मतलब आप ये समझ सकते हो, $10 के भी अगर आप बाइंग करके रख लेते हो या इसको माइन करके रख लेते हो, लिटरली ये $100 होने का पोटेंशियल रखते हैं। अभी रिसेंटली मैंने आपको केली टोकन के बारे में बताया था, जिसने यहाँ पे मेरे को लिटरली कहीं 1000+ या 1000x का गेन दिया है। $6 के टोकन सीधे पहुंच गए $130 के आसपास। रिसेंटली उसके ऊपर भी वीडियोज आई हैं, आप उस वीडियोज को भी जाके वॉच कर सकते हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे हम जो XNA या नोराई कॉइन के बारे में वीडियो बात कर रहे हैं, भाई ये रियल वर्ल्ड के साथ काम करते हैं, AI के ऊपर ये काम कर रहे हैं और साथ ही साथ IoT के साथ ये काम कर रहे हैं। तो चलो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कितने पे आउट मैं इससे लूँगा और डेली अर्निंग मेरी कितनी हो रही है और यहाँ पे आप कैसे इसको माइन कर सकते हैं, क्या इनका फ्यूचर गोल है, वो सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैनल के अंदर नए हो, अभी तक आपने हमको टेलीग्राम चैनल फॉलो नहीं किया है, तो डेफिनेटली आप जाके हमें फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आप लोग मुझसे बात कर सकते हो टेलीग्राम चैनल के अंदर, जहाँ पे ना आपको रिसेंटली अपडेट्स देखने मिलती है, डायरेक्टली आपके कॉन्टैक्ट करता हूँ और आप लोग मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चंस कर सकते हो। सेकेंडरी चैनल टेकी होम 2.0 भी फॉलो कर लो, क्योंकि इस चैनल के अंदर ना स्ट्राइक्स आती रहती है। भाई जो मैं नहीं चाहता हूँ आप लोगों के सामने मिशन खराब हो, चैनल डिलीट होता है, तो सेकेंडरी चैनल टेकी होम 2.0 उसको आप फॉलो कर सकते हो। बातें बहुत होगी, लेकर चलता हूँ आपके यहाँ पे डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर। डिटेल में हम इस वीडियो के अंदर इस पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ iOS के अंदर, जहाँ पे मेरे पास 10 ग्राफिक कार्ड है और ये 10 ग्राफिक कार्ड से जो है माइनिंग कर रहा हूँ। और अगर आपको जो है मेरी रिग्स की कॉन्फ़िगरेशन देखनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे के सारे Amazon लिंक दे रखे हैं, आप उनके जाके फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी ये हार्डवेयर मंगाना है माइनिंग करने के लिए, तो आप वो है जो हार्डवेयर को चेक कर सकते हो। और कैसे हार्डवेयर कॉन्फ़िगर करा जाता है, तो उसके ऊपर मैंने डेडिकेटेड वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आपको कोई भी माइनिंग जो बनाने वाला सेटअप होता है ना, किसी के पास यानी ज़रूरत नहीं है, वो आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करेगा $1,000, $2,000, $3,000, $4,000, $5,000 बनवाने के लिए। आपको देने की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियोस बनाई हुई है, डेडिकेटेड बताया हुआ है कि आप ऐसे कर सकते हो। हार्डवेयर वाली वीडियो अलग है और सॉफ्टवेयर वाली वीडियो बिल्कुल अलग है। अब देखो फ्रेंड, यहाँ पे मैं सिंपली आपको अपनी रिक्स के अंदर लेके चल रहा हूँ, जहाँ पे एक ग्राफिक कार्ड 3060 है और 9 ग्राफिक कार्ड जो है 3060 Ti है। अब ये जो काओ पाओ एल्गोरिथम के अंदर यहाँ पे हमारा XNA कॉइन या नोराई कॉइन हमारा जो है माइन होता है। अब भाई यहाँ पे मेरे केस के अंदर 246 की हैश रेट यहाँ पे निकल के आ रही है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं सिंपली आपको लेके चलता हूँ जो मेरा माइनर है वो कौन सा, मैं यहाँ पे माइनर यूज़ कर रहा हूँ या आप कह सकते हो पूल यूज़ कर रहा हूँ, वो है हमारा truminers.com। अब मैं जैसे इसके ऊपर लेके चलता हूँ, आप मेरा ये वॉलेट एड्रेस डाल के, मैं सिंपली आपको अपना वॉलेट एड्रेस भी दिखा देता हूँ, ये वाला वॉलेट एड्रेस डाल के चेक कर सकते हो, ये वाला वॉलेट एड्रेस डाल के चेक कर सकते हो कि भाई मेरी डेली की अर्निंग कितनी हो रही है। मैं सिंपली आपको लेके चलता हूँ यहाँ पे नोराई कॉइन के पूल के अंदर। जैसे मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ, तो यहाँ पे आप देखो पूल के अंदर जैसे क्लिक करोगे ना, यहाँ ऑप्शन आएगा एक पूल वाला ऑप्शन, या आप XNA.truminer.com के अंदर ये वाला वॉलेट एड्रेस डालोगे और यहाँ पर से आप जो है वो इसको कन्फर्म करोगे, जो है सर्च करोगे, तो यहाँ पे देखो करेंटली हैश रेट या जो आपको देखने में मिलेगी 283 के आसपास देखने में मिलेगी। यहाँ पे आपको जो है मेरे वॉलेट्स के अंदर या जो है मेरे अकाउंट के अंदर यहाँ पे जो हैश रेट दिखाई दे रही है वो दिखाई दे रही है 246 के आसपास। कभी कभी ये बढ़कर दिखाती है, कभी कभी यहाँ पे घटकर दिखाती है, तो ओवरऑल एवरेज यहाँ पे हम गिनते हैं हैश रेट के मामले में। तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तक 63 टोकन मैंने माइन कर लिए हैं और यहाँ पे 4 टोकन मेरे अनपेड बैलेंस के अंदर आ गए हैं। अब जैसे ही यहाँ पे दिन में मेरे 1000 टोकन माइन होते हैं, वो 1000 टोकन उठ के मेरे कॉइन एक्स एक्सचेंज के अंदर पहुंच जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से आप देखते हो, तो भाई यहाँ पे MEXC एक्सचेंज के अंदर भी है, जो माना जा रहा है एक्सचेंज है। साथ ही साथ देखो कॉइन एक्स के अंदर भी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पे आपको वॉलेट एड्रेस का कॉइन एक्स के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है, और साथ ही साथ जो है वो आपको सेफ ट्रेड और MEXC एक्सचेंज के अंदर भी देखने के लिए मिल जाता है। अब सिंपली यहाँ पे आपको एसेट्स के अंदर जाना है, डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है
XNA, तो यहाँ पे देखो आपको न्यूरई जो है वो आपको वॉलेट एड्रेस देखने के मिल जाएगा। आपको भी अगर डिपॉजिट करने हैं तो भाई इस वॉलेट्स के अंदर आप कर सकते हो। इसका लिंक मैंने आपको, एक्सचेंज का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसको जाके फॉलो कर सकते हो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो ओवरऑल दिन की मेरी जो अर्निंग हो रही है वो हो रही है 1190 न्यूरई कॉइंस की, जहाँ पे $6 प्रति दिन मैं अर्न कर रहा हूँ। लेकिन अगर मैं वही बात करता हूँ वट टू माइन के हिसाब से, वट टू माइन वेबसाइट है जहाँ पे आप जो है वो डेली का चेक कर सकते हो कि कितना आपका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और मेरा बिजली बिल जो है वो 0.05 सेंट के हिसाब से लगता है, और मैंने अपनी ग्राफिक कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन ऊपर डाल दी है, जैसे कि मेरे पास 9 3060 Ti है और एक 3060 है। मैं जैसे ही यहाँ पे कैलकुलेट के अंदर क्लिक करता हूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक कॉइन है पैप्रिका कॉइन, जो यहाँ पे मेरे को डेली का $7 कमा के दे रहा है। लेकिन अगर मैं वही बात करूँ न्यूरई कॉइन की, जो मेरे को डेली का 6.15 सेंट, मतलब $6.15 के आसपास कमा के दे रहा है, ये ओवरऑल प्रॉफिट्स के साथ है, बिजली बिल के प्रॉफिट्स के साथ है, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसका जो है वो ब्लॉक टाइम माइनिंग का 59 सेकेंड है, मतलब ओवरऑल 1 मिनट है, और यहाँ पे आप टोटल ब्लॉक रिवॉर्ड्स यहाँ पे इतने मिल सकते हैं। साथ ही साथ जो है वो लास्ट ब्लॉक माइन ये करा हुआ है इसने। और यहाँ पे लोगों का बोलना ये है कि भाई यहाँ पे दिस इज माय रियलिस्टिक XNA बुल रन प्रेडिक्शन इज $1 to $2, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर प्रोजेक्ट रियलिस्टिक तरीके से अच्छी से इनकी टीम वर्क करते तो डेफिनेटली ये चीज़ पहुँचना पॉसिबल भी है। अब वहीं थोड़ा सा नीचे आता हूँ तो यहाँ पे एक ने लिखा है कि भाई आई थिंक दैट 0.1 सेंट इन रियलिस्टिक बिफोर बिटकॉइन हार्विंग। तो भाई बिटकॉइन हार्विंग से नीचे इतना, मतलब ऊपर इतना जा सकता है, ऐसा इनका बोलना है। और यहाँ पे कुछ लोग तो ऐसा बोल रहे थे यहाँ पे कि भाई हम जो है वो इसको कैस्पा के साथ डायरेक्टली जो है वो टाइप कर रहे हैं, मतलब कैस्पा कॉइन और साथ ही साथ न्यूरई कॉइन। तो मतलब कैस्पा जो है वो ना अलग एल्गोरिथम के अंदर काम करता है, वो काम करता है यहाँ पे आपकी के हैवी हैश एल्गोरिथम के अंदर, लेकिन ये माइन करते हैं अपनी काओ पाओ एल्गोरिथम के अंदर। अब चलो ये तो बात होगी डेली की प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से, और मैंने यहाँ पे थंबनेल में लिखा है कि $10 आप प्रतिदिन कमा सकते हो। भाई $10 आप प्रतिदिन कमा सकते थे, लेकिन यहाँ पे 7 दिन का मैं चार्ट देखूँ तो जब यहाँ पे इसका प्राइस 0.068 सेंट के आसपास था, तो भाई यहाँ पे आप डेली का $10 ईजी तरीके से अर्न कर लेते। मैं यहाँ पे 1 मंथ का चार्ट देखता हूँ तो भाई यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा ऊपर है, लेकिन अभी तो बुल रन मार्केट में आया भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं ये मिनी बुल रन है, आप इसको कह सकते हो मिनी बुल रन है, लेकिन बिटकॉइन हॉल्डिंग से पहले या बिटकॉइन हॉल्डिंग के बाद एक आपको डिप देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आप इन डिप में कॉइन्स को बाय कर सकते हो। जिनके पास भी यहाँ पे माइनिंग रिग्स लगाने का सेटअप नहीं है तो वो डेफिनेटली प्लान्स कर सकते हैं यहाँ पे इस कॉइन्स को बाय करने का। लेकिन ये बिल्कुल फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपने एंड से भी आप रिसर्च डेफिनेटली करिएगा। अब मैं सीधे आ जाता हूँ इनकी वेबसाइट के अंदर, न्यूरई कॉइन है क्या, ये काम क्या करता है, मेन चीज जानने की जरूरत आपको ये है। देखो कनेक्टिंग द रियल वर्ल्ड विद द ब्लॉकचेन, यहाँ पे इनका बोलना है कि भाई हम रियल वर्ल्ड में ब्लॉकचेन को काम में लाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो बहुत सारे कॉइन जो हैं वो, जैसे फाइल कॉइन की आप बात करते हैं, फाइल कॉइन आपको क्लाउड स्टोरेज देता है क्रिप्टो के अंदर, कि भाई आप जो है वो डिसेंट्रलाइज तरीके से वेब 3.0 के अंदर यहाँ पे क्रिप्टोज या जो है वो जितने भी गेम्स जो होते हैं मेटावर्स के, उसको कैसे स्टोर कर सकते हो। रियल यूज़ है भाई, कॉइन का प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगा। लेकिन वहीं आप जैसे मीम कॉइन की बात करते हैं, मीम कॉइन, पेपे कॉइन, या आप सीवा की बात कर लो, बोन सीवा की बात कर लो, इनका कोई यूज़ नहीं है। तो भाई यहाँ पर ना पंपिंग डंपिंग चलती है। लेकिन अगर जिस कॉइन का रियल यूज़ है, जैसे एक्सी इन्फिनिट आया था, वो प्ले टू अर्न के प्रोजेक्ट के अंदर आया था, लोग गेम खेलते और उस गेम के बदले यहाँ पे जो है वो टोकन्स आपको मिलते, ठीक है। वैसे न्यूरई कॉइन है, ये यहाँ पे AI एल्गोरिथम्स के अंदर काम कर रहे हैं, जितने भी AI प्रोजेक्ट है ना। एक बात मैं यहाँ पे आपको बता दूँ भाई, पिछले बुल सीजन के अंदर प्ले टू अर्न गेम का बोलबाला था, पिछले सीजन के अंदर मेटावर्स का बोलबाला था, लेकिन इस सीजन के अंदर हो सकता है क्विस्ट टू अर्न, साथ ही साथ AI रिलेटेड प्रोजेक्ट जितने भी हैं वो बूम कर सकते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कॉइन क्यों ना हो, या आपका न्यूरई जैसा कॉइन क्यों ना हो, या आप कैस्पा जैसे कॉइन की बात, आपने कैस्पा का तो डेली का डेली प्रॉफिट्स आपने देख ही लिया है। तो भाई यहाँ पे आप जो है वो AI रिलेटेड जितने भी कॉइन्स हैं ना, वो आपको डेफिनेटली अच्छे खासे पंप देखने के लिए दे सकते हैं। अब देखो ये काम क्या करते हैं, न्यूरई एम्स टू प्लेटफॉर्म टू एनेबल हार्सनिंग द पावर ऑफ AI एल्गोरिथम फॉर एफिशिएंट डेटा एनालिटिक्स, साथ ही डेटा एनालिटिक्स के साथ काम करेंगे, प्रिडिक्टिव मॉडलिंग, साथ ही साथ डिसीजन मेकिंग एंड कनेक्टिविटी टू IoT डिवाइसेस विद ब्लॉकचेन एसेट्स। अब देखो जैसे कि यहाँ पे ब्लॉकचेन के बारे में आपको बताया है, AI के बारे में बताया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, IoT के बारे में बताया है, IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस के बारे में, साथ ही साथ ग्लोबल ये काम कर रहे हैं। अब नीचे देखो आपको IoT की डिवाइसेस देखने को मिल रही हैं, जैसे मैं अगर बात करूँ टेस्ला जो कार है उसके अंदर क्या यूज़ करी गई है, AI यूज़ करी गई है, IoT डिवाइसेस यूज़ करे गए हैं। अब जो AI यूज़ करी गई है ना,
वो सब बनाता है कौन है? टेस्ला तो नहीं बनाएगी ना। साथ ही साथ यहाँ पे ऐसी कंपनीज को लिया जाता है जो यहाँ पे इन सब प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करती है। तो ये रियल वर्ल्ड के अंदर AI के साथ साथ यहाँ पे IoT डिवाइसेस के अंदर भी काम करते हैं। अब इनका बोलना ये है रॉबस्ट एंड प्रूवन कोड है, मतलब यहाँ पे इनका जो कोड है वो बहुत सिक्योर एंड सिंपल है। और अगर बात करूँ प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ये काम करते हैं, प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर नहीं है। प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर बहुत सारी लिमिटेशन होती हैं, बाद में कभी हम उसके बारे में बात करेंगे। ASIC रेजिस्टेंट टू अवॉइडिंग माइनिंग सेंट्रलाइजेशन। अब यहाँ पे ना ASIC मशीन आपकी माइनिंग के लिए नहीं लगेगी, क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो एल्गोरिथम में माइन करते हैं वो है काओपाओ, और काओपाओ के अंदर जितनी भी एल्गोरिथम्स के अंदर कॉइन माइन होते हैं वो यहाँ पे ASIC मशीन से नहीं माइन होते हैं। ASIC टू मैनेज एंड इंटरेक्ट विद IoT, भाई जैसे कि आपको बताया कि भाई यहाँ पे इंटरेक्ट करते हैं ये IoT से। गुड डॉक्यूमेंटेशन एंड लाइब्रेरीज टू हैव गुड स्टार्ट्स, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो इसके बारे में डिटेल में, अगर आपको जानकारी चाहिए तो यहाँ पे आप इनका पूरा का पूरा ये वाला पेज एक बार अपने एंड से एक बार नज़र मार सकते हो। अब देखो मैं थोड़ा सा नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको बताया गया है कि भाई यहाँ पे स्केबिलिटी है, मतलब इनकी ब्लॉकचेन थोड़ा सा बिटकॉइन से अच्छी है, इनका बोलना ऐसा है। साथ ही साथ एसेट ऑन चेन है, साथ ही साथ NFT एंड टोकन मैनेज भी आप जो है उससे कर सकते हो। ASIC रेजिस्टेंस है जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। देखो इनका 23 से लेकर 24 तक का रोड मैप यहाँ पे आपको सब चीज़ समझाया गया है कि भाई ये लास्ट 2025 Q1 तक का क्या करने वाले हैं। अभी इनके रोड मैप के अंदर क्या क्या सक्सेसफुल हो गया है वो आपको यहाँ पे बता दिया गया है। जैसे कि देखिए लॉन्च मेननेट इन्हें लॉन्च कर दी है, नुरई वॉलेट लॉन्च कर दिया है, साथ ही साथ ये कौन कौन से एक्सचेंजेस के अंदर लिस्ट है वो भी यहाँ पे आपको बता दिया है। देखो कहाँ तक इनका काम कम्प्लीट हो गया है, डोनेशन एक्सचेंज Tier 1 Tier 2, ठीक है। और साथ ही साथ आप देख सकते हो वेब वॉलेट, जहाँ पे टिक है ना ये सारे के सारे प्रोजेक्ट के साथ ही काम कर चुके हैं। मतलब ये पूरा पूरा इनका जो है रोड मैप के अंदर या इनकी पाइपलाइन के अंदर जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे डन हो चुके हैं। इनकी टीम के बारे में आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। अब बात करते हैं कॉम्पिटिटिव, मतलब यहाँ पे ये अपने आप को बेस्ट क्यों बता रहे हैं बिटकॉइन और इथेरियम से। देखो बिटकॉइन तो फादर है या आप कह सकते हो मदर है, और इथेरियम जो है वो यहाँ पे मदर है। बिटकॉइन अगर फादर है तो इथेरियम मदर है, उनसे बेहतर तो नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ आप ये कह सकते हो कि आपको एक 100x या 50x या 80x रिटर्न देने के यहाँ पे सक्षम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ बिटकॉइन से, ये लोग बोलते हैं बिटकॉइन का एक ब्लॉक माइन होने के लिए 10 मिनट लगता है, लेकिन हमारा एक ब्लॉक माइन होने के लिए यहाँ पे 1 मिनट लगता है। वहीं इथेरियम का ये बोलते हैं 12 सेकंड लगता है, तो इसमें सीधे सीधे इथेरियम यहाँ पे विन कर जाता है। वहीं पर ही एक ब्लॉक इनका 1 MB का है, तो इनका 8 MB का ब्लॉक साइज़ है, इनका 100 जो है वो KB का ब्लॉक साइज़ है। और यहाँ पे जो है वो इनका 4 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होती हैं, इनके कहने पे यहाँ पे 380 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होती है, और यहाँ पे इनकी 20 ट्रांजेक्शन पर सेकेंड होती है। तो यहाँ पे क्लियर विनर यहाँ पे हमारा नुरई कॉइन बन जाता है। वहीं यहाँ पे इनकी एवरेज फ़ी, यहाँ पे जो आप कह सकते हो ट्रांजेक्शन फ़ी बहुत कम है। वहीं इथेरियम के हिसाब से मारूँ तो इथेरियम में $5 है, इनकी $1.95 के आसपास है। तो भाई यही काओपाओ एल्गोरिथम के अंदर काम करते हैं ये। वहीं आप ये देख सकते हो लिमिटेड गोस्ट प्रूफ ऑफ वर्क के अंदर ये काम करते हैं, और ये SHA-256 एल्गोरिथम के अंदर काम करते हैं। तो वैसे करके ना इन्होंने बताया गया है कि भाई यहाँ पे फ्यूचर में इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी आएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो है वो ये सॉरी फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन इनका खाली स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, फ्यूचर का इनका कुछ पता नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे ये नेटिव FT और NFT भी यहाँ पे जो है वो लॉन्च कर सकते हैं, मतलब इनके आएंगे। लेकिन वहीं ये चीज़ तो आपका इथेरियम में मिलता है, लेकिन ये चीज़ आपका जो है वो यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर नहीं मिलता है, तो इनका बोलना ये है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा और नीचे आता हूँ, तो भाई यहाँ पे आपको देखो इनकी टोकोनॉमिक्स भी बताई गई है। जैसे मैं टोकोनॉमिक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपको टोकोनॉमिक्स के बारे में बताया गया है कि भाई यहाँ पे इनकी टोटल सप्लाई 21 बिलियन है, और यहाँ पे माइक्रो हॉल्विंग है। यहाँ पे एवरी 10 दिन के अंदर इनकी माइनिंग जो है वो मतलब हॉल्विंग जो है वो आएगी। जैसे बिटकॉइन की हॉल्विंग यहाँ पे हर 4 साल बाद आती है, वैसे इनकी हर 10 दिन बाद इनकी हॉल्विंग आएगी। यहाँ पे आप जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर 57% माइन कर सकते हो। यहाँ पे देखो आपके फर्स्ट ईयर के अंदर 57% पॉइंट माइन होंगे, वहीं सेकंड ईयर के अंदर वो बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ पे आप कम कॉइन माइन कर पाओगे, 70% तक माइन हो चुके होंगे। थर्ड ईयर तक 80%, फोर्थ ईयर तक 86%, और सेवन्थ ईयर तक 95% के कॉइन माइन हो चुके होंगे। अब यहाँ पे देखो आपको हॉल्विंग का डेटा बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे कब तक की इनकी हॉल्विंग यहाँ पे चलने वाली है, लास्ट 5 साल तक यहाँ पे लास्ट जो हॉल्विंग होगी वो कब आएगी, और यहाँ पे जो है वो कितने डेज हो चुके होंगे, और लास्ट जो कॉइन यहाँ पे आप कह सकते हो पूरा का पूरा टोकोनॉमिक्स के हिसाब से यहाँ पे आपको डेटा समझाया गया है कि भाई यहाँ पे हमारी जो लास्ट पाँचवें ईयर तक का डेटा इन्हें दिया हुआ है।
और यहाँ पे 6th ईयर और 7th ईयर का डेटा अभी बाकी है। और मैं अगर कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से अगर बात करूँ तो भाई एक महीने के अंदर इसने 507% का रिटर्न दिया है, और अगर एक साल की बात करूँ तो भाई 6,151% का रिटर्न दिया है, जो कि एक अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा मैसेज टीम बन जाती है। देखो अभी के हिसाब से मैं आप लोगों को ये बोल सकता हूँ कि भाई कॉइन में ना, मतलब अभी बाइंग करके रखोगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉफिट नहीं हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिक्कत ये है कि भाई ये अपना 6,140% या 43% का पंप दे चुका है, लेकिन अभी जैसे कि मैंने आपको बोला एक डिप आएगी तो उसके अंदर आप इसके अंदर बाइंग करके रख सकते हो। अगर मैं माइनर्स की बात करूँ तो माइनर्स को आज की डेट के हिसाब से प्रॉफिट है, अगर उसको माइन करके बेच दे तुरंत तो अपने प्रॉफिट्स में निकल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी माइनर्स को होल्ड करेंगे तो अभी के हिसाब से यहाँ पे आप प्रॉफिट सस्टेन, मतलब बाद में चल के प्रॉफिट सस्टेन नहीं कर पाओगे, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ इसके लॉन्ग टर्म गोल की तो भाई यहाँ पे ये 1 से 2 डॉलर के आसपास डेफिनेटली ट्रेड करना चाहिए। आपने XRP के बारे में देखा, आपने जो है वो यहाँ पे रिसेंटली सोलाना को देखा कितनी जल्दी पंप हुआ, कैसे पंप हुआ, और साथ ही साथ जो है वो अभी रिसेंटली बहुत सारे ऐसे आपने गेम्स या आपने ऐसे टोकन्स देखे जो यहाँ पे आपको रिसेंटली अच्छे खासे पंप दिए, लेकिन कुछ टोकन्स अभी भी मार्केट के अंदर ऐसे हैं जो यहाँ पे पंप देना बाकी है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पंप आएगा मार्केट फुल बिटकॉइन जैसी $1,00,000 अपना क्रॉस करेगा तो भाई ये सारे के सारे कॉइन्स आपको प्रॉफिटेबल नजर आएंगे। लाइट कॉइन ने अभी पंप नहीं दे रखा है, साथ ही डॉज कॉइन ने अपना जो है पंप नहीं दिखाया है, साथ ही साथ आपने जो है वो अभी ईयर फाइनेंस का कॉइन आपने देख सुना होगा तो भाई उसने जो है वो अभी पंप दिखाया था रिसेंट में, फिर से वो अपने डाउनफॉल में आ गया है, आप उसको बाय करके रख सकते हैं। ये मेरी कोई यहाँ पे फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, लेकिन आप अपने एंड से भी रिसर्च डेफिनेटली करिएगा। लेकिन भाई जो कॉइन अच्छे हैं या जिन कॉइन के अंदर ना माइनर्स के हिसाब से देखो हैश रेट यहाँ पे आपकी इंक्रीज होती जा रही है, मैं सबसे पहले आपको इनके पूल के अंदर लेके चलता हूँ, जहाँ पे देखो ये देखो पहले यहाँ पे देखो इसके अंदर 1.06 टेरा हैश रेट थी, अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे आप देखो सॉरी ये देखो 960 GHz थी यहाँ पे सुबह 5 बजे के आसपास, अब थोड़ा सा यहाँ पे अप करते हैं सीधे यहाँ पे दिन में 12:40 के आसपास 1.21 टेरा हैश रेट आई, अब वहीं शाम के टाइम में 6:30 बजे के आसपास 7 बजे के आसपास 1.43 टेरा हैश रेट आई, अब वहीं अभी के हिसाब से मैं देखूँ 1.06 टेरा हैश रेट चल रही है अभी के टाइमिंग के हिसाब से। तो भाई यहाँ पे माइनिंग में प्रॉफिटेबल तो है, और मैं अगर बात करूँ पूल स्टैट्स के बारे में और यहाँ पे सर्च करूँ XNA तो भाई यहाँ पे नवई कॉइन में सबसे ज़्यादा जो हैश रेट हमारी चल रही है वो चल रही है VIPOR.net के अंदर 1.67 टेरा हैश रेट। फिर टू माइनस के बारे में बात करते हैं 1.06 टेरा हैश रेट, और भाई यहाँ पे लिटरली मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छे खासे प्रॉफिट्स हैं, तो मतलब जितने भी माइनर्स अभी काम कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स को निकालो और बेच डालो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप इसको होल्ड कर सकते हो सस्टेन कर सकते हो तो अच्छी वाली डील आपको आगे फ्यूचर में मिल सकती है। लेकिन अगर आपको आज की डेट के हिसाब से माइनिंग करके इसको निकालना है तो वो आपकी मर्जी बन जाती है। तो भाई यहाँ पे मेरे हिसाब से कॉइन अच्छा है, फ्यूचरिस्टिक है, यहाँ पे जैसे ही बुल रन आएगा AI कॉइन्स मार्केट के अंदर तबाही मचाएंगे, और जितने भी AI कॉइन मार्केट के अंदर हैं भाई वो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई अपने अच्छे खासे बुल रन के अंदर आपको अच्छे खासे प्रॉफिट दे सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं इंजेक्टिव की, अभी रिसेंटली आपको रेंडर ने अच्छा खासा प्रॉफिट दिया, साथ ही साथ द ग्राफ, हेडन नेटवर्क्स और साथ ही साथ Fetch.ai, सिंगुलैरिटी, NET बात करते हैं, थेटा फ्यूल्स, ऐसे जितने भी कॉइन्स हैं ना ये आपको अच्छे खासे प्रॉफिट्स निकाल के दे सकते हैं, तो इन पे एक बार नज़र अपनी घुमा लीजिएगा। तो हे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सबसे समझ में आ गया होगा निरई कॉइन के बारे में कैसे ये आपको डेली का $10 का प्रॉफिट निकाल के दे रहा है, और $10 को आपका मल्टीप्लाई करते हो 30 से तो डायरेक्टली आपके जो प्रॉफिट्स बन जाते हैं $300, और USDT का रेट तो आपको पता है $90, $89 के आसपास रेट मिलता है, तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से उसका प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज बन जाता है। तो हे फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको सब चीज़ क्लियर हो गया होगा, चैनल के अंदर नए हो अभी तक फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, तो बस आज के लिए इतना ही, वीडियो में एंड करते हैं, धन्यवाद।